मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आरजेवाईएस एवं कुबेर ग्रुप ने खोला जरूरतमंदों को कुबेर का भंडार। आपको बताते चलें कि आरजेवाईएस ग्रुप द्वारा कुबेर ग्रुप के सौजन से सिंधु नगर कॉलोनी में लॉकडाउन के चलते मजदूर वर्गों में परिवार को राशन किट में दाल, आटा, चावल, मसाले, चाय पत्ती आदि का वितरण किया गया। कुबेर ग्रुप के निदेशक विकास मालू के निर्देश पर बरेली में पुनः पैकेट का वितरण करते हुए आरजेवाईएस ग्रुप के निदेशक अमित भारद्वाज के नेतृत्व में एवं राधा रानी ट्रस्ट के अध्यक्ष रामसेवक भारद्वाज, कुबेर ग्रुप के अधिकारी दिलीप गुप्ता एवं जीतू देवनानी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर सिंधुनगर मंदिर में पास गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजदूर वर्ग, गरीब जरूरतमंद परिवारों को 50 राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर सभी को महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दिव्या गुप्ता, महानाध्यक्ष सुदेश गुप्ता ने लोगों को मास्क का वितरण कर मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया व चाइना द्वारा निर्मित सामान के बहिष्कार की भी अपील की। इस मौके पर डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज ने बताया कि हम सब लोगों को एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से जरूरतमंद परिवार को मिलकर सहयोग करना चाहिए, जिससे कि इस अनलॉक में कोई परिवार भूखा ना सो सके। वहीं अमित भारद्वाज ने बताया कि संस्था दिन प्रतिदिन संपूर्ण लॉकडाउन में गरीब जरूरतमंदों की मदद कर रही है। संस्था लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से घर घर जाकर लोगों को मास्क पहनने की अपील के साथ मार्केट में सोशल डिस्टेंस को लेकर घर में रहने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के डॉक्टर गोविंद राम भागवानी, सौरभ शर्मा, कमल जगवानी, महेंद्र टिकियानी, महान इकाई के अध्यक्ष सुदेश गुप्ता, महिला मोर्चा के अध्यक्ष दिव्या गुप्ता, व्यापार मंडल के अध्यक्ष विशाल मनोत्रा, हरमीत सिंह, हरजीत सिंह लाली, अमित शर्मा, संजू भैया, सतीश गुप्ता, रतन शर्मा, नितेश, निखिल, आमोद, आशीष मौर्य, बलराम कश्यप, आलोक सक्सेना, भरत कमलवानी आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सौरभ शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा 22 मार्च से लॉकडाउन में दिन प्रतिदिन लोगों के लिए भोजन वितरण भी किया गया है। इस मौके पर यह हमारी श्रृंखला दिन प्रतिदिन जारी रहेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि इस लॉकडाउन और अनलॉक में कोई जरूरतमंद परिवार भूखा ना सो सके। बताइए, राष्ट्रीय जागरण युवा मंच की सहयोग से एवं सिंधी समाज के सहयोग से ये गरीबों को अनुदान बांटा जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी यही आह्वान दिया कि कोई भूखा न सोए, इसके जो है कारण गरीबों को जो है वितरित किया जा रहा है। और सबसे भी अपील की गई कि जितना सहयोग हो सके वो करें। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की। हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।